पवार से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी की शरद पवार से करीबन 15 से 20 मिनट तक मुलाकात रही है। एक तरह से अपना समर्थन जाहिर करने के लिए पहुंचे शरद पवार के पास में। शरद पवार के पास में पहुंचकर राहुल गांधी ने एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही पार्टी में कुछ भी हो, लेकिन शरद पवार के साथ में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, सुप्रिया सूले, शरद पवार समेत जो यहां पर कार्य समिति के सदस्य थे उनसे जो है चर्चा की है, मुलाकात की है। हालांकि जैसी की जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जब अंदर पहुंचे हैं तो शरद पवार, सुप्रिया सूले और जो सांसद हैं पार्टी की फौजिया खान, ये कुछ लोग मौजूद थे। और जो करीबन 15 मिनट की चर्चा हुई है उसमें जो है कि क्या रणनीति रहेगी विपक्षी पार्टियों की, क्योंकि शरद पवार एक बड़ा चेहरा और जिनके जो एक तरीके से रणनीतिकार का भी काम कर रहे थे उन्हीं के पार्टी में टूट हुई है। तो राहुल गांधी एक तरह से यहाँ ये संदेश देने के लिए आए कि भले ही पार्टी में भले ही टूट हुई हो शरद पवार के, लेकिन भरोसा है कि विपक्ष की एकता बनेगी और शरद पवार एक तरह से उसमें जो उनका रोल था वो उसी तरीके से निभाते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ आकर के एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि भले ही शरद पवार की पार्टी में दो गुट बन गए हो, इतनी उथल पुथल हुई हो, लेकिन विपक्षी नेता, विपक्षी खेमा अभी भी शरद पवार के साथ खड़ा है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।